हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि बालों को सेट और डिटेंगल करने के लिए जो कॉम हम यूज़ करते हैं उसकी क्लीनिंग हम घर पर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यूज़ करते करते कॉम बहुत गंदे हो जाते हैं, जिसकी क्लीनिंग बहुत थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊँगी। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मेरे बेबी का कॉम है जो कि थोड़ा गंदा हो चुका है, इसी की क्लीनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपके कॉम यूज़ करते करते चाहे जितने भी गंदे हो गए हों, आप सिंपली उसको 10 मिनट के अंदर क्लीन कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि स्किन रिलेटेड जो भी डायरेक्ट चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसका हाइजीनिक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर से लिखें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम ये क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। एक मग में आपको पानी लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा सर्फ मिला के एक घोल तैयार कर लेना है। और फिर उसमें मैंने अपने बेबी के कॉम को 2 से 3 मिनट तक डिप कर दिया है ताकि उसकी गंदगी फूल जाए। 2 से 3 मिनट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मेरे बेबी का कॉम ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉम बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप थोड़ा सा 5 से 10 मिनट तक इसे रख सकते हैं, जैसा आपका कॉम जितना गंदा है, जिससे कि गंदगी फूल जाएगी और वो ईज़िली निकल जाएगी। फ्रेंड्स, आप पिक में देख सकते हैं कि कॉम को मैंने घोल से बाहर निकाल लिया है और एक पुराना टूथब्रश है जिसकी मदद से मैं इसकी क्लीनिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं कि मैं टूथब्रश की मदद से कॉम की क्लीनिंग कर रही हूं और जो भी गंदगी कॉम में फंसी होगी वो इजीली बाहर निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर की फोटो में डिफरेंस कि कॉम कितना क्लीन हो चुका है। और आप भी इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने कॉम को नियमित रूप से उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं और उसे हाइजीनिक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर से लिखें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले।